गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक, फॉर ग्रेविटेशंस के लिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है टोटल रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द नंबर ऑफ टोटल मासेज, मतलब टोटल रिजल्टेंट फोर्स टोटल मास की वजह से वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स ड्यू टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मास पार्टिकल्स। तो अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स का सम अलग अलग इंडिविजुअल मास पार्टिकल्स की वजह से लगता है, ठीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास पार्टिकल के लिए लगता है। तो F01 क्या है? फोर्स ऑन मास एम नॉट ड्यू टू M1, फोर्स ऑन मास एम नॉट ड्यू टू M2, फोर्स ऑन मास एम नॉट ड्यू टू M3, ठीक है। अब हमने एक सिस्टम मान लिया, वो नंबर ऑफ मास पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो उसका होल मास एम नॉट मान लिया और उसका टोटल फोर्स है F0। F01 क्या मान लिया? फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू M1 की वजह से। M1 मास पार्टिकल, उसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R1 है। ऐसे ही M2 मास पार्टिकल है और उस पर लगने वाला फोर्स F02 है और इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R2 है। इसी प्रकार F03, उसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R3 है। अब ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लगाएंगे, F01 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, G m1 m2 अपॉन में r² फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे G m1 m0 अपॉन में r1 का स्क्वेयर। ऐसे ही F02 G m2 m0 अपॉन में r2 का स्क्वेयर, F03 G m3 m0 अपॉन r3 का स्क्वेयर। ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देंगे, फोर्स वाली के अंदर, तो सभी का एड हो जाएगा। एड होने पर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, G m0 कॉमन आ रहा है और अंदर बच गया M1 अपॉन R1 का स्क्वेयर प्लस M2 अपॉन R2 का स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन Mn अपॉन Rn का स्क्वेयर। इसको हम समेशन के अंदर ही सभी का सम लिख दिया, MiRi का स्क्वेयर के बराबर, i की वैल्यू 1 से n हमने ले ली, ठीक है। तो यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला टॉपिक सिंपल है, ग्रेविटी क्या होती है? फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए बॉडी टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। फोर्स बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड अनदर बॉडी लाई नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक सेंटर ऑफ अर्थ का और दूसरी बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे कहीं लाई कर रही है, ठीक, तो उसका आपस में दोनों का फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाती है। या हम कह सकते हैं व्हेन एंड बॉडी फॉलिंग थ्रू ए सम सुटेबल हाइट द वेलोसिटी इज इंक्रीज ऑफ द बॉडी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कोई भी बॉडी कुछ हाइट से हम गिराएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाती है, इस फिनोमिना को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको जी से हम डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 होता है और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, एक कोई बॉडी हमने मान ली जिसका मास m है, f उसके ऊपर क्या लगा? फोर्स एग्जर्ट ऑन द बॉडी, जब फोर्स लगेगा तो उसके अंदर a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स m मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, इसलिए फोर्स कितना आ गया? mg। तो g की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, F में m, और जी की वैल्यू एफ के बराबर कब होगी? जब मास 1 kg होगा किसी भी बॉडी का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस प्रकार से डिफाइंड होगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होती है? रिजल्टेंट फोर्स के बराबर जो एक बॉडी मास के ऊपर लग रहा है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन यूनिवर्स, दो मास बॉडी के बीच के अंदर फोर्स लगना ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स अभी बताया सेंटर ऑफ अर्थ और दूसरी मास बॉडी के बीच के अंदर लगता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर वो होती है 6.67 × 10⁻¹⁹ N·m² / kg कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की, और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन सभी जगह सेम नहीं होती। SI यूनिट N·m² / kg², इसकी क्या होती है? m² / s². कैपिटल जी की जो डायरेक्शन होती है वो ए से बी की तरफ होती है, मतलब मास बॉडी ए से दूसरी मास बॉडी के बीच के अंदर, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।